हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है आपका। अपने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की थी उसके 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज 61 से लेकर 80 क्वेश्चन करेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। पीछे आपको 60 क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो बढ़िया है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको उसका आंसर मिलेगा। अपने वेबसाइट भी खोल रहे हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद में जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं इसरो के जितने भी करवा दिए हैं वो उसके हिसाब से अपलोड होते रहेंगे वेबसाइट पर, और लिंक आपको कम्युनिटी टैब पे प्रोवाइड करवा देंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर जो केवल धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है कौन सा है? तो यूजीटी की अपने बात करते हैं तो इसे दोहरा ड्यूल बेस दोहरा आधार डायोड कहते हैं, डबल आधार कैसे कहते हैं कि इसके अंदर ये अपने इसका सांकेतिक चिन्ह बनाते हैं अपने, ये बेस टू टर्मिनल आ गया, ये टर्मिनल बेस वन टर्मिनल आ गया, ये अपने पास मीटर आ गया। तो इन बेस वन और बेस टू के मध्य 5 से लेकर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। बेस वन, आधार वन और आधार टू, बी वन से लेकर अमीटर तक, अमीटर से लेकर बेस टू तक डबल बेस बन रहा है, डबल आधार होने के कारण डबल बेस डायोड कहते हैं। और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रखता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रखता है। और इसके अंदर कर्व की बात करें तो ये जो रहता है ये लीकेज करंट को शो कर रहा है ब्लैक कलर में, और यहां से लेकर ये पीक पॉइंट पर जाकर एक बार इसका मान डिक्रीज होता है, इसे पीक पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। और ये जो पॉइंट आता है इसे कहते हैं वैली पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अपने पास आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू रहती है वो भी इंक्रीज होती रहती है, लिनियरिटी में पता बढ़ेगा इससे आगे। यहाँ पर ये जो कर्व लेता है इसीलिए इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का शो किया है ये लीकेज करंट का मान है। यूजीटी के अंदर जब तक अपने अमीटर किसी प्रकार का सिग्नल नहीं देंगे, बेस वन और बेस टू दोनों का पर अगर कार्य कर रहा है तो ये एक वोल्टेज डिवाइडेशन का कार्य करते हैं, इसे वोल्टेज डिवाइडर के रूप में पहचानते हैं। ओके, यूजीटी का जो उपयोग है वो अपने लिख लेते हैं। इसका उपयोग ट्रिगरिंग के रूप में किया जाता है, मोटर स्पीड कंट्रोल के अंदर करते हैं, टाइमर में करते हैं, तापमान नियंत्रण के अंदर करते हैं, एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए करते हैं। ट्रिगरिंग ये ऊपर लिख दिया, एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए इसको यूज में लेते हैं। एफईटी की बात करें तो एफईटी एन चैनल और पी चैनल प्रकार की रहती है, पी चैनल प्रकार की रहती है। एन की अगर अपने चिन्ह बनाए इसका तो एन केंद्रीय धारा का जो मान है गेट से ये अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, गेट टर्मिनल्स, ये ड्रेन और ये सोर्सेस। एक अपने नल्स होते हैं जिसके द्वारा पानी, वो नल का जो रहता है अपने पकड़ने के लिए जिसको घुमाते घुमाकर पानी चालू करते हैं या बंद करते हैं उसे गेट माने, और जिस टैंक से पानी आ रहा है उसे सोर्सेस माने, और जहां से प्रवाहित हो रहा है उसे ड्रेन माने। तो अपने कंट्रोल किसके द्वारा कर रहे हैं? गेट के द्वारा। इसीलिए गेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ये। और ये जो अपने चिन्ह अंदर जा रहा है ये बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा अपने पास पी चैनल एफईटी। चैनल की अगर अपने बात करें तो ये पूरा एन चैनल आ गया। यहां से अपने लेते हैं ड्रेन टर्मिनल्स और यहां से आ गया सोर्सेज। तो यहां पर दो एन चैनल है, तो पी प्रकार के पदार्थों को डिफ्यूजन कराते हैं और इन दोनों को एक साथ में जोड़ देते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू रहती है वो पिंच ऑफ वोल्टेज एफ ई टी के लिए ही अप्लाई रहती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए। कैसे कि जैसे सोर्स से ड्रेन की ओर आसानी से करंट का मान फ्लो कर रहा है, तो गेट के ऊपर रिवर्स वाइज में अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित धारा का मान 0 एम्पियर्स तक पहुंच जाता है। वन सेकेंड, सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 एम्पियर तक पहुंच जाए, 0 एम्पियर तक पहुंच जाए, तो उस अप्लाइड गेट वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज एक बार दोबारा बता देता हूं। एफईटी में जब सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित धारा का मान प्रवाहित हो रहा है, तो गेट के ऊपर रिवर्स बायस में अप्लाइड किया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 एम्पियर तक पहुंच जाता है, उस अधिकतम गेट वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। पिंच ऑफ वोल्टेज वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना बढ़िया से। और एफईटी जो रहती है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और जो ट्रांजिस्टर जो केवल धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाया जा सकता है उसे मॉस्फेट कहते हैं। मॉस्फेट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं, धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाया जाता है। ये 100 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक ऑपरेट किए जा सकते हैं। अनहेंसर्ड और डिप्लीशन प्रकार के दो अपने पास मॉस्फेट रहते हैं। अनहेंसर्ड के अंदर डिप्लीशन के अंदर जिस प्रकार एसिड डालकर वो किसी मेटल के ऊपर एन या पी के ऊपर एसिड डालकर जो वहां पर गड्ढा बनाकर उसके अंदर पी पदार्थ को डिफ्यूज करते थे, उसी प्रकार से ये डिप्लीशन प्रकार का तैयार होता है। और अनहेंसर्ड के अंदर सिंबल इसका ड्रॉ करते हैं तो सिंबल के अंदर ये ऐसे और ये बड़ी लेयर, ये अपने पास गेट, ये ड्रेन और ये सोर्सेज, और ये इंटरनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की व्यवस्था रखता है। और ये अंदर जा रहा है धारा का मान यहां से, तो ये अपने पास एन चैनल हो जाएगा। अंदर जा रहा है तो याद रख लेना एन चैनल है, एन से अंदर, तो थोड़ा याद रखने में आसानी हो जाएगी। ये एन का है और डिप्लीशन प्रकार का बनाए अपने पास, तो ये गेट टर्मिनल्स ये इंटरनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक, और यहां से धारा का मान अंदर जा रहा है, तो ये अपने पास एन चैनल डिप्लीशन एन चैनल मॉस्फेट हो जाएगा। अपने पास आंसर रहेगा क्वेश्चन का डी, सी ऑप्शन रहेगा अपने पास। और जीटीओ की बात करते हैं तो जीटीओ एक ऐसा अपने पास एक्टिव एलिमेंट है जिसके अंदर धनात्मक पॉजिटिव गेट सिग्नल के साथ हाई एम्पलीट्यूड और लो पावर के साथ इसके अंदर गेट टर्मिनल्स पर अप्लाई करते हैं, तो ये कंडक्शन मोड में आएगा। नेगेटिव गेट सिग्नल के साथ हाई एम्पलीट्यूड और लो पावर अप्लाई सिग्नल करेंगे तो ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। आएगा इसका क्वेश्चन, आगे पढ़ेंगे अपने। तो अभी क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 62 4 स्टैंडर्ड वायर गेज और 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का डायामीटर क्रमशः होगा 4 SWG 10 SWG का व्यास क्रमशः होगा। तो एक स्टैंडर्ड वायर के लिए गेज के लिए देखेंगे कितना होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करो आप। 2 SWG के लिए कितना रहेगा, 3 SWG के लिए कितना रहेगा, 4 SWG के लिए कितना रहेगा, 6 SWG के लिए, 8 SWG के लिए,
SWG के लिए टाइप करो, इतने एक से लेकर 10 तक याद करना है, जिसके अंदर क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, तो अपने को इनके डायमीटर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड वायर गेज रहता है 7.64 mm, दो SWG होता है तो अपने पास 7.01 mm, सारी वैल्यू mm में लिखूंगा मैं। तीन स्टैंडर्ड वायर गेज के अंदर 6.40 mm, चार स्टैंडर्ड वायर गेज 5.89 mm, सिक्स स्टैंडर्ड वायर गेज 4.88 mm, एट स्टैंडर्ड वायर गेज 4.06 mm, 10 के अंदर रहेगा 3.25 mm। ओके, तो 6 का अपने को पता है, 8 का अपने को पता है, तो 7 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज आएगा तो उसका अपने बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा, आंसर रहेगा 4 के लिए रहेगा अपने पास 5.89 और 10 के लिए रहेगा 3.25 mm, ऑप्शन नंबर बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, HVDC का मिलान कीजिए। होम पोलर के अंदर दो कंडक्टर रहते हैं, दोनों ही नेगेटिव पोलरिटी के रहेंगे। बाई पोलर के अंदर दो कंडक्टर रहेंगे, एक प्लस होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, और मोनोपोलर के अंदर एक कंडक्टर रहेगा। ये HVDC के लिंक है, इसके अंदर एक कंडक्टर रहेगा और वो भी नेगेटिव पोलरिटी का। ओके, तो अपने बता सकते हैं होम पोलर के अंदर दो कंडक्टर, दोनों ही नेगेटिव, ऑप्शन नंबर पहले का सी। बाई पोलर के अंदर प्लस और एक नेगेटिव, और मोनोपोलर के अंदर एक चालक, वो भी नेगेटिव पोलरिटी का। तो सी ए बी ऑप्शन नंबर ए होने मसला राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64, किस उपकरण का उपयोग स्टेटर ओ के एयर गैप मापने में, मोटर जनरेटर अल्टरनेटर की शाफ्ट के अलाइनमेंट व लेवल मापने में उपयोग किया जाता है? तो मोटर जनरेटर के अंदर एयर गैप मापने के लिए अपने मीटर यूज करते हैं, फिलर गेज, और मोटर अल्टरनेटर, मोटर जनरेटर अल्टरनेटर के लिए अपने यूज करते हैं सक्रिय पिच गेज, सक्रिय पिच गेज का तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी, फिलर गेज एंड सब्ड्यू पिच गेज। क्वेश्चन नंबर 65, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को ओपन डेल्टा वीवी में कन्वर्ट किया जाता है करने पर आउटपुट, और वीवी कनेक्शन को डेल्टा डेल्टा में कन्वर्ट करने पर आउटपुट क्या रहेगा? अपने स्टार कनेक्शन, डेल्टा से डेल्टा कनेक्शन, स्टार से डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा से स्टार, और स्टार से इनवर्स स्टार कनेक्शन, डेल्टा से इनवर्स डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। टाइम क्लॉक के हिसाब से कितना एंगल शो, कितने बजे को शो करेगा, और फेज डिफरेंस कितना रहेगा, आउटपुट अपने पास कितना डिस्प्लेस्ड रहेगा। तो स्टार स्टार के अंदर 0 डिग्री का शो करेगा, और टाइम ऑफ क्लॉक के हिसाब से 12 बजे को शो करेगा। डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री के एंगल को शो करेगा, और ये भी 12 बजे के टाइम ऑफ क्लॉक के हिसाब से 12 बजे को शो करेगा। स्टार से डेल्टा की बात करते हैं तो इसके अंदर -30 डिग्री के एंगल को शो करेगा, और टाइम ऑफ क्लॉक के हिसाब से 1 बजे को शो करेगा। डेल्टा से स्टार की बात करें तो ये +30 डिग्री के एंगल को शो करेगा, और टाइम ऑफ क्लॉक के हिसाब से 11 बजे को शो करेगा। स्टार से इनवर्स स्टार की बात करें तो ये +180 डिग्री के एंगल को शो करेगा, प्लस नहीं लेकिन एक सौ अस्सी डिग्री के एंगल को शो करेगा, और 6 टाइम ऑफ क्लॉक के हिसाब से 6 बजे को शो करेगा। डेल्टा से इनवर्स डेल्टा की बात करें तो ये भी 180 डिग्री एंगल को शो करेगा, और टाइम ऑफ फ्लो के हिसाब से 6 बजे को शो करेगा।
वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अभी अपने इसके अंदर देखते हैं, बिग डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के अंदर अपने टीटी कनेक्शन स्कॉट कनेक्शन के अंदर चेंज करते हैं, तो इसको थ्री फेज से दो फेज में और दो फेज से थ्री फेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। ओके, वैसे इस जो ट्रांसफार्मर है अपने पास, इसको दो फेज से थ्री फेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया था। 86.6% आउटपुट रहता है इसके अंदर। अपने बात करनी है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन को ओपन डेल्टा में कन्वर्ट करने पर आउटपुट रहेगा 58.8%, और वीवी कनेक्शन को डेल्टा डेल्टा में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा? आपको डेल्टा से ओपन डेल्टा का पता होगा, लेकिन ओपन डेल्टा से डेल्टा डेल्टा में कन्वर्ट करने पर अपने पास आउटपुट कितना रहेगा? इसके अंदर आउटपुट रहेगा 73.2%, वैल्यू हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर रहेगा सी। वीडियो कॉल करके सेकंड शॉट लेते रहना। डीस ई लिखा हुआ है, डीई नहीं है, डीसी है। डीसी मोटर फुल लोड पर टॉर्क और आर्मेचर करंट का कैसा होगा? डीसी सीरीज मोटर है। करेक्टरिस्टिक की बात करें, कर्व की बात करें, तो ये अपने ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास है टॉर्क और ये लिया है पहला कर्व आर्मेचर धारा। यहाँ पर गति और आर्मेचर धारा के मध्य संबंध देखेंगे और गति और टॉर्क के मध्य संबंध देखेंगे। यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको छोटा कर देता हूँ। अभी देखते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर जो कर्व रहता है ये इस प्रकार का कर्व रहता है। यहाँ पर मैग्नेटिक सैचुरेशन आएगी डीसी सीरीज के अंदर मोटर के अंदर लोड पूर्ण बढ़ने के बाद में, और इसके बाद में ये लिनियरिटी में शो करेगा। तो ये जो स्टार्टिंग अपने पास कर्व है बैंगनी कलर के अंदर जो दर्शा रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि टोरक समानुपाती आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा। अब सीरीज है वो वाइंडिंग है, सीरीज कनेक्शन है, तो लोड करंट, आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट सब करंट सेम रहेंगे, तो टोरक समानुपाती आर्मेचर धारा के इक्वल करंट फ्लो होगा, तो आर्मेचर धारा टोरक समानुपाती हो जाएगा आर्मेचर धारा के वर्ग के। ओके, ये जो रेड कलर में आपने बना रखा है लिनियरिटी में, तो टोरक समानुपाती होता है मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग की जो कोर है वो सैचुरेशन कंडीशन में आ गई, तो अब इसके बाद में आर्मेचर करंट जितना बढ़ेगा उतना ही टोरक बढ़ेगा, टोरक समानुपाती आर्मेचर धारा। आर्मेचर करंट बढ़ने के साथ इसकी गति में डिक्रीमेंट होगा और टॉर्क बढ़ने से गति के मान में कमी आएगी। इसके अंदर बैक ईएमएफ की बात करें, बैक ईएमएफ समानुपाती रहता है गति की, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती और टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। पूरा अपने देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा, तो अभी चलते हैं आगे। डार्लिंगटन के ट्रांजिस्टर के डार्लिंगटन कनेक्शन क्या होते हैं? तो अपने पास केस कोड कनेक्शन रहता है, केस केड रहता है और डार्लिंगटन रहता है। ओके, तो केस कोड के अंदर कनेक्शन रहता है कॉमन अमीटर से कॉमन बेस का, कैस्केड के अंदर रहता है कॉमन अमीटर से कॉमन कलेक्टर, डार्लिंगटन के अंदर रहता है कॉमन कलेक्टर से कॉमन कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास सी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं, इनको रिवाइज कर लेना, देख लेना, याद कर लेना। कोई एक ऐसी रजिस्टर लागू करो, चालू करो, जिसके अंदर की
आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहली बार आपने क्वेश्चन देखा है या उसको डेप्थ से पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को उसके अंदर देखो। परमानेंटली रिवीजन सोच लो कि 2 पेज करने हैं, 4 पेज करने हैं, जिस हिसाब से आप लिखते जाओगे उसी हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाते रहना, जिसके कारण मेमोरीज काफी इंक्रीज होगी। 68 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर कंड्यूट वायरिंग में वृत्ताकार जब बॉक्स में स्क्रू की लंबाई होती है 4, जो अपने पास वो रहते हैं, ये कंड्यूट कंसीडर वायरिंग करते हैं, भवन निर्माण हो गया, और प्लस्टर के पहले जो ग्राइंडर से लेयर्स निकालकर उनके अंदर जो पाइप डालकर अपने डालते हैं, जंक्शन बॉक्स आता है उसका, अगर वृत्ताकार कंडीशन में है तो जो स्क्रू लगते हैं वो 4 mm लेंथ के रहते हैं। अगर कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग में आयताकार बॉक्सेज हैं तो उसके अंदर स्क्रू की लेंथ रहती है 2.8 mm की। ओके, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा नोट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट मतलब गलत, नोट गलत नहीं है, तो गलत अपने पास नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में काफी आते हैं, TG2 के अंदर, JEE के अंदर, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। घरेलू लाइट लोड 6 एम्पियर 240 वोल्ट के लिए कॉपर चालक का साइज, घरेलू लाइट लोड के लिए एल्यूमिनियम चालक का साइज, पावर वायरिंग में लोड 16 एम्पियर 440 वोल्ट तक तांबा चालक, पावर लोड 16 एम्पियर 440 वोल्ट तक एल्यूमिनियम का आकार, बताओ। तो अपने जो डोमेस्टिक लोड रहता है, घरेलू लोड रहता है, घर का लोड होता है, उसके अंदर अगर अपने पास कॉपर चालक चाहिए तो इसके लिए 1 mm स्क्वेयर से लेकर 1.12 mm स्क्वेयर चालक का आकार रहना चाहिए। अगर यहीं पर घरेलू लोड के अंदर अपने पास एल्यूमिनियम चालक है, एल्यूमिनियम अगर चालक है अपने पास, तो उसके अंदर अपने पास 1.5 mm स्क्वेयर का कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया रहना चाहिए। पावर लोड है, धारा का मान 16 एम्पीयर तक है, तो कॉपर के लिए अपने को साइज चाहिए 1.5 mm स्क्वेयर। एल्यूमिनियम अगर अपने पास है तो अपने को साइज चाहिए 2.5 mm स्क्वेयर का चालक। ओके, अगर धारा का मान 16 एम्पीयर से ज्यादा है तो, 16 एम्पीयर से ज्यादा है तो अपने को चाहिए कॉपर के लिए 2.5 mm स्क्वेयर, अगर एल्यूमिनियम चालक है तो अपने को चाहिए 4.0 mm स्क्वेयर। ये तीन प्रकार से बताया है। घरेलू लोड है 6 एम्पियर 240 वोल्ट के लिए अपने को कॉपर का चाहिए 1.5 mm स्क्वायर से लेकर 1.12 mm स्क्वायर, एल्यूमिनियम है तो 1.5 mm स्क्वायर। पावर लोड है 16 एम्पियर तक, 16 एम्पियर से ज्यादा नहीं, 16 एम्पियर से कम है तो अपने को 1.5 mm स्क्वायर का चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया, एल्यूमिनियम के लिए 2.5 mm स्क्वायर। अगर पावर लोड है 16 एम्पियर से ज्यादा लोड है तो अपने कॉपर के लिए 2.5 mm स्क्वायर और एल्यूमिनियम के लिए 4.0 mm स्क्वायर लोड चालक अपने लेते हैं। अब अपने पास 6 एम्पियर 240 वोल्ट के लिए पूछा है तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले का डी किस में है, बी और सी के अंदर है, अभी तक ये दोनों सही हो रहे हैं। घरेलू लोड है, एल्यूमिनियम चालक का साइज 1.5 mm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए किस में है, ऑप्शन नंबर वाई आ गया सी के अंदर, सी अपना हो जाता है यहाँ पर राइट। दूसरे भी देखते हैं, पावर पावर वायरिंग में लोड 16 एम्पीयर 440 वोल्ट तक, तो अपने को चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तीन का भी है तो अभी अपने पास हो रहा है सी ऑप्शन। पावर
16 एम्पीयर से 440 वोल्ट तक एल्यूमिनियम चालक का आकार अपने को चाहिए। सी तो ऑप्शन नंबर हो जाता है अपने पास सी। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रोड अर्थिंग करते समय रोड कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना बाहर रहना चाहिए, वह कितने डिग्री से ज्यादा कोण विचलन नहीं होना चाहिए। रोड अर्थिंग अपने कर रहे हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर रोड बाहर रहना चाहिए जिससे अपने कनेक्शन लेस के अनुसार, और ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, कहीं पर आधी रोड ही अपने बाहर रखने तो ऐसा नहीं होता, और 30 डिग्री से ज्यादा कोण विचलन नहीं होना चाहिए, यानी कि तिरछा ऐसे लग गया पूरा कटिंग केंद्र में लग जाए तो धरती के अंदर उसकी गहराई नहीं है 1 फीट, ऐसा नहीं होता, उसको 30 डिग्री से ज्यादा कोण विचलन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाता है अपने पास डी। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन, डीसी मशीन में ब्रश होल्डर वह कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य कितनी निर्धारित स्पेस होना चाहिए। जैसे अपने पास ये कम्यूटेटर है, ये सेगमेंट्स कटे हुए हैं और यहां पर ब्रश अपने टच कर रहा है ये, और ये है ब्रश होल्डर, तो ये जो बीच में गैप है ये कितना होना चाहिए, तो ये 1.5 mm रहना चाहिए। ज्यादा होगा तो ब्रश टूट सकता है, कम होगा तो ये सेगमेंट के साथ में संपर्कित होके जल सकता है, तो 71 नंबर का रहेगा बी अपने पास। 72 नंबर मिला कीजिए आंतरिक लेखलांची, आंतरिक प्रतिरोध लेखलांची सेल का कितना होता है, शुष्क सेल का कितना होता है, और ड्रेनेज सेल का कितना रहता है। अपने सबसे पहले बात करते हैं पूरे सेल का, आपको बायोडाटा देते हैं बताते हैं। अपने पास सेल रहता है वोल्टाइक सेल के अंदर 1.08 वोल्टेज रहती है, पूरा याद रखना, हाथों हाथ लिखते रहना। पॉजिटिव जो जो रोड रहती है वो अपने पास होगी कॉपर की, और नेगेटिव जो रहेगा वो होगा जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर पानी 3:1 में और एसिड 1:1 में दोनों को डाइल्यूट करके फिर डाला जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होती है इसको स्लो करने के लिए रहता है। जो सीधा अपने एसिड यूज करेंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया रहती है ये काफी फास्ट होती है, इसीलिए उसको स्लो करने के लिए पानी अपने डालते हैं। जो प्रथम वोल्टेइक सेल बना था सबसे पहले प्राइमरी सेल रहता है जिसको दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होकर वो डिस्चार्ज हो जाता है, एनर्जी दे देता है, उसके बाद उसको वापिस रीयूज नहीं कर सकते हैं अपने। तो वोल्टेइक सेल इसके अंदर प्रथम दोष आए थे दो, पहला दोष था और सेकंड दोष लोकल एक्शन, लोकल एक्शन की बात करते हैं तो जो प्योर होता है प्योर जस्ता नहीं मिलने पर, बाजार में प्योर नहीं मिलता है, नहीं मिलने के कारण उसका बैटरी के अंदर क्षरण होता रहता है, वो खुरता रहता है, उसके अंदर जो वेट रहता है मास होता है वो कम होता जा रहा है। ओके, तो कम होने पर उसको रोकने के लिए जिंक की जो रोड रहती है, जो प्लेट्स रहती है जिंक की, उसके ऊपर मरकरी का लेप किया जाता है, मरकरी का लेप किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अन लग मेशन क्रिया। ये क्वेश्चन काफी बार देखा मैंने एग्जाम पेपर्स के अंदर, अमलोगमेशन क्रिया कहते हैं। और पहला दोष रहता है पोलराइजेशन, राइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के अंदर क्या होता है, बैटरी को जैसे ही अपने डिस्चार्ज उसको यूज ले रहे हैं तो अंदर हाइड्रोजन के बुलबुले इकट्ठे होकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर एक्टिवेट होते हैं,
इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आउटपुट वोल्टेज कम होती है, जिसके कारण अपने सही तरीके से अपने को जितने रिक्वायरमेंट रहती है उतने वोल्टेज नहीं दे पाता, और इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए जो कांच का बर्तन होता है उसके अंदर MnO2 मिलाते हैं। MnO2 मतलब तो उसके अंदर मिलाते हैं मैग्नेट डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नेट डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जिसके कारण इस दोष को दूर कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन दूसरा सेल देखते हैं, दूसरा सेल है अपने पास लैग्रांजी सेल। दूसरा सेल है अपने पास लैग्रांजी सेल। लैग्रांजी सेल के अंदर वोल्टेज रहती है 1.46 वोल्टेज, कार्बन का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक का रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट रहता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड इसको उन स्थानों पर यूज में लेते हैं सेल को जहां पर अपने को रुक रुक के सप्लाई चाहिए, जैसे रेडियो के अंदर जैसे न्यूज का टाइम होगा तो अपने रेडियो चला देते हैं। टेलीफोन सिस्टम ऐसे स्थानों पर यूज में लेते हैं जहां पर अपने को सप्लाई कंटिन्यूस की बजाय रुक रुक कर चाहिए होती है, तो रेडियो टेलीफोन यूज हो गया इस सेल के अंदर। और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है 1 से 5 ओम के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। सेल देखते हैं, तीसरा सेल होता है अपने पास वोल्टाइक होगा, लैग्रांजी होगा, शुष्क सेल। तो शुष्क सेल की बात करें तो इसके अंदर वोल्टेज रहती है 1.5 वोल्टेज, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो अपने पास होगा कार्बन का, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा जिंक का, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है। 0.2 से लेकर 0.4 इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, और इसको यूज कहां पर लेते हैं, रेडियो में यूज में लेते हैं, ट्रांजिस्टर सिस्टम में लेते हैं, ऐसे स्थानों पर यूज में लिया जाता है, रेडियो और ट्रांजिस्टर सिस्टम में। ओके, क्वेश्चन नंबर यही है, लेकिन इसके अंदर देखते हैं चौथा सेल, वोल्टाइक कर लिया, लैग्रांजी कर लिया, शुष्क सेल कर लिया, शुष्क के बाद में डैनियल सेल। डैनियल सेल और डैनियल सेल के अंदर वोल्टेज रहती है 1.08 वोल्टेज, और उसके बाद में बुनसेन सेल। इसकी रहती है वोल्टेज 1.09 वोल्टेज। डैनियल सेल के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा वो रहेगा कॉपर का, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा कार्बन का, एसिड जो यूज करेंगे वो करेंगे CuSO4 का, कॉपर सल्फेट को यूज मिलेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 से लेकर 6 ओम के मध्य, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। बुनसेन सेल के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो होगा कार्बन का, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा अपने पास वो होगा जिंक का, एसिड फॉर्मेशन होगा तो वो होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इन दोनों सेल को यूज में कहीं पर नहीं लेते। अगला सेल है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल के अंदर आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर वोल्टेज पूछेगा, और इसकी वोल्टेज रहती है 0.0183 वोल्टेज। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी सेल को वेंटर कैडमियम के नाम से जानते हैं, वेंटर कैडमियम सेल। ओके, इसी के अंदर आपसे ओनली सिर्फ वोल्टेज ही पूछेगा। इसके बाद में बात करते हैं मरकरी सेल की।
मर्करी सेल के अंदर वोल्टेज रहती है 1.35 से लेकर 1.46 वोल्टेज। मर्करी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होगा जिंक हाइड्रोक्साइड का रहेगा, हाइड्रो ऑक्साइड का रहेगा और नेगेटिव जिंक ऑक्साइड का रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर देखते हैं अगला साइड, सिल्वर ऑक्साइड है। सिल्वर ऑक्साइड के अंदर 1.5 वोल्टेज रहती है, सिल्वर पॉजिटिव का रहेगा और नेगेटिव रहेगा अपने पास। पॉजिटिव जो होगा वो होगा सिल्वर और नेगेटिव जिंक का पाउडर रहता है। निकल कैडमियम सेल, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अंदर वोल्टेज रहती है 1.5 वोल्टेज। डीजल वाहनों के अंदर बैटरी को पहले सेल्फ स्टार्टर के अंदर यूज में लेते थे, अभी तो लेड एसिड बैटरी यूज में लेते हैं। पॉजिटिव रहेगा अपने पास निकल और कैडमियम होगा यहाँ पर नेगेटिव। नेक्स्ट सेल लिथियम सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर वोल्टेज रहती है 2.25 वोल्टेज से लेकर 3.36 वोल्टेज तक वैल्यू रहती है। इसके अंदर लोड 350 वाट घंटा प्रति किलोग्राम की दर से लोड डाल सकते हैं। मोबाइलों के अंदर यही बैटरी होती है लेकिन इसको कम प्राइमरी सेल में करते हैं और ये -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर पॉजिटिव 75 डिग्री सेल्सियस तक वर्क कर सकता है। पॉजिटिव 75 डिग्री सेल्सियस तक वर्क कर सकता है और ये पेस मेकर के अंदर और इलेक्ट्रो कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर यूज में लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो तो बताना। लिथियम सेल 2.25 से लेकर 3.36 तक वोल्टेज रहती है और 350 वाट घंटा प्रति किलोग्राम की दर से लोड लेने कर सकता है। -50 डिग्री से लेकर पॉजिटिव 75 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करेगा। पेस्ट मेकर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा अपने पास कार्बन का और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होगा वो होगा लिथियम का। ओके तो दोस्तों प्राइमरी सेल कंप्लीट कर दी है हमने, इससे ज्यादा प्राइमरी सेल के बारे में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 का है आंतरिक सेल, आंतरिक प्रतिरोध लेग्रांजी सेल का कितना होगा। तो लेग्रांजी का भी आपको बताया 1.1 से लेकर 5 ओम के मध्य। शुष्क सेल का रहेगा 0.2 से लेकर 0.4 ओम। डेनियल सेल का आपको बताया कि 2 से लेकर 6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस एम क्यू पी ऑप्शन नंबर रहेगा डी इज इक्वल टू राइट। 73 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकाशीय धारा में उसकी वेवफॉर्म का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वेवफॉर्म का निर्धारण कैसे करेंगे, अपने उसका मान याद करते हैं फॉर्म फैक्टर से। क्वेश्चन नंबर 74, वोल्ट वायर इंस्ट्रूमेंट में उपयोग किया जाने वाला तार किस धातु की और उसका साइज को बताइए। वोल्ट वायर जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो एसी डीसी वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं, एम्पियर मीटर बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर प्लेटिनम और इरेडियम का बनाया जाता है और इस तार का डायमीटर की बात करें तो 0.1 nm पर रहता है। ओके, जैसे ही ये वायर रहती है इसके अंदर धारा का मान फ्लो करेगा तो ये हीट के कारण एक्सपांड होगी और एक्सपांड होने के कारण स्केल पर आपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। प्लेटिनम इरेडियम रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए। किसी मीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन एरर
3%, तो एक चौथाई भाग पर एरर होगी, कितनी होगी? 0.75% क्या होगी? तो इसके लिए अगर अपने मीटर के बारे में जब भी देखें तो इसके लिए कहते हैं कि फुल स्केल जो रिफ्लेक्शन रहता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर जो एरर रहता है वो मिनिमम होता है। तो जैसे ही स्केल का डिफ्लेक्शन एक चौथाई हो गया तो उसका जो एरर है वो चार गुना हो जाएगा, हाफ हो रहा है तो चार गुना बढ़ जाएगा, 1/4 हो रहा है तो चार गुना बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर 3% है और ये इसके अंदर जो एक चौथाई भाग पर हो रहा है डिफ्लेक्शन, तो इसको गुणा कर देंगे 4 से तो अपने पास मिलेगा 12। डिफ्लेक्शन एक चौथाई तो बढ़ेगा एरर 4 गुना। जैसे इसको कर दिया कि जो डिफ्लेक्शन है वो आधा हो गया, हाफ स्केल पर रहेगा, तो 3% गुणा 2 तो 6% एरर अपने को देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 76, एक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, कॉमन बेस का इनपुट इंपेडेंस कितना होगा, कॉमन एमिटर का आउटपुट इंपेडेंस कितना होगा, कॉमन एमिटर आउटपुट फेज शिफ्टिंग क्या होगी, कॉमन कलेक्टर का आउटपुट फेज शिफ्टिंग क्या रहेगी, पूरा ही बायोडाटा देखते हैं इसके बारे में। तो अपने पास सबसे पहले कॉमन बेस देखते हैं, कॉमन अमीटर लिखते हैं, कॉमन कलेक्टर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टेंस हो गया। तो कॉमन बेस के अंदर जो इनपुट इंपेडेंस रहता है वो होता है 100 ओम का, रेजिस्टेंस की बात करें। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है, तो वो रहता है अपने पास 450 किलो ओम का। फेज इनपुट से आउटपुट तक फेज शिफ्टिंग कितनी होगी, तो वो फेज एस शिफ्टिंग, तो वो 0 डिग्री को देखने को मिलेगी। और इसके अंदर अपने देखें एम्पलीफाई क्या करेगा और यूज किस में होगा, तो कॉमन बेस होता है इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस 100 ओम का, आउटपुट रेजिस्टेंस 450 किलो ओम का, फेज शिफ्टिंग 0 डिग्री को, एम्पलीफाई करता है ये वोल्टेज को, ओके। और यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में, ओके। कॉमन बेस की बात करते हैं तो कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो इसके अंदर इनपुट इंपेडेंस रहता है 700 ओम का, आउटपुट इंपेडेंस 750 किलो ओम का, इनपुट इंपेडेंस कॉमन कलेक्टर का। आउटपुट इंपेडेंस की बात करते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें या इंपेडेंस माने, तो कॉमन बेस का 450 किलो ओम, कॉमन कलेक्टर का 50 किलो ओम, और कॉमन कलेक्टर का आउटपुट इंपेडेंस होगा 50 ओम का। तो कॉमन बेस के अंदर इनपुट इंपेडेंस सबसे मिनिमम और आउटपुट इंपेडेंस सबसे ज्यादा रहता है, कॉमन एमिटर के अंदर मीडियम रहता है दोनों से, और कॉमन कलेक्टर के अंदर इनपुट इंपेडेंस 750 किलो ओम का और आउटपुट 50 किलो ओम, 50 ओम का रहता है। फेज शिफ्टिंग कॉमन बेस के अंदर 0 डिग्री की, कॉमन एमिटर के अंदर रहेगी 180 डिग्री की, और इसके मान को वेरिएबल भी कर सकते हैं, इसीलिए कॉमन एमिटर को यूज में लिया जाता है। कॉमन कलेक्टर के अंदर फेज शिफ्टिंग रहेगी 0 डिग्री की, एम्पलीफाई ये करेगा पावर को, यानी कि वोल्टेज भी होगी और तारा भी होगी, और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफाई करेगा करंट को, ओके। यूज किस में होगा, कॉमन बेस होगा हाई फ्रीक्वेंसी में, कॉमन एमिटर होगा लो फ्रीक्वेंसी में, और कॉमन कलेक्टर को यूज करेंगे इंपेडेंस मैचिंग, इंपेडेंस
इम्पीडेंस मैचिंग के अंदर यूज करेंगे या बफर इम्पीडेंस मैचिंग या बफर सर्किट में, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अपने चलते हैं कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस 100 ओम, आउटपुट 450, फेज शिफ्टिंग 0, एम्पलीफाई करेगा वोल्टेज को और यूज हाई फ्रीक्वेंसी में, यूज होगा हाई फ्रीक्वेंसी में। कॉमन बेस एमिटर की बात करें इनपुट 700 ओम का, आउटपुट 50 किलो ओम का, फेज शिफ्टिंग 180 डिग्री, जिसके मान को वेरिएबल भी कर सकते हैं। वोल्टेज एम्पलीफाई करेगा पावर को, जिसके अंदर वोल्टेज और धारा दोनों होगी और यूज किया जाएगा लो फ्रीक्वेंसी। कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस 750 किलो ओम का, आउटपुट 50 ओम का, फेज शिफ्टिंग 0 डिग्री, एम्पलीफाई करेगा करंट को और इम्पीडेंस मैचिंग एंड बफर स्ट्रेस के अंदर यूज किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है अपने पास कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस अभी आपको बताया 100 ओम का रहेगा, 100 ओम का होगा। कॉमन एमिटर का आउटपुट कितना होगा, तो अभी जस्ट आपको बताया कि 50 किलो ओम का रहेगा। कॉमन एमिटर का आउटपुट फेज शिफ्टिंग क्या होगी, तो वो 180 डिग्री की रहेगी एंड वेरिएबल होगा। कॉमन कलेक्टर का आउटपुट इम्पीडेंस सबसे मिनिमम होता है, कितना होगा इसके अंदर ऑप्शन में कुछ, कॉमन कलेक्टर का आउटपुट फेज शिफ्टिंग पूछ रहा है, तो वो होगी 0 डिग्री की। फेज शिफ्टिंग 0 डिग्री की होगी कॉमन बेस के अंदर एंड कॉमन कलेक्टर के अंदर। एमिटर के अंदर 180 डिग्री, जिसके मान को वेरिएबल भी कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम यूज में लिया जाता है। ओके, तो अभी अपने पास हो जाएगा बी एफ ई सी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, दिए गए कथनों में इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करें। यूजुअली जब एमिटर टर्मिनल्स को सप्लाई नहीं दी जाती तब तक यह वोल्टेज डिवाइडर की बनती करने के लिए, आपको पहले ही शायद क्वेश्चन में बताया होगा कि एमिटर के ऊपर जब तक इसके सप्लाई नहीं देते हैं, तो ये फेज शिफ्टिंग वोल्टेज डिवाइडर की बनती कार्य करती है। बेस 2 और बेस 1 के मध्य 5 से 10 ओम का इंपीडेंस देखने को मिलता है, तो बिल्कुल गलत बात है ये। 5 से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बेस 1 और बेस 2 के मध्य, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है गलत कौन सा है, तो गलत केवल सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बिल्कुल यूपीपीएससी से क्वेश्चन मैच करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, मिलान कीजिए डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, डाइवर्टेशन फैक्टर। डिमांड फैक्टर जो अपने पास रहता है, ये औसत मांग अपॉन में अधिकतम मांग का अनुपात रहता है। प्रतिशत में ज्ञात करना चाह रहे हैं तो गुणा 100 से कर देंगे। अब डिमांड फैक्टर पूछ रहा है यार, ये डिमांड फैक्टर के लिए रहता है अधिकतम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है, जिस टाइम आपने भवन नया निर्माण किया है या पुराने है, नए भवन के अंदर निर्माण किया, उसके अंदर आपने वायरिंग करवाई, सॉकेट लगा 100 वाट वाला, 6 एम्पीयर 240 वोल्ट 100 वाट का सॉकेट लगा, उसके अंदर जिस टाइम आपने कनेक्टेड लोड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो उस सॉकेट के अगर 100 वाट का लोड नहीं लगा है या 50 वाट कितना भी नहीं लगा हो, लेकिन आपने सॉकेट लगा दिया, तो उस सॉकेट की 100 वाट रेटिंग को आपने ऐड करेंगे। उन सभी सॉकेट जो यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे हैं, उन सभी को ऐड करके कनेक्टेड लोड के अंदर माना जाता है। लोड फैक्टर रहता है अपने पास उस तमाम क्वेश्चन नंबर करते हैं 78, क्वेश्चन नंबर करते हैं 78, डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर होता है अधिकतम मांग यानी कि मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या रहता है, जब आपने भवन की जैसे वायरिंग की,
वायरिंग के अंदर 100 वाट के चाहे 10 सॉकेट हो चाहे 5 सॉकेट हो, जितने भी वायरिंग है उनके अंदर जिस टाइम अपने लोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो लोड के अंदर 100 वाट का उसके अंदर लोड लगा है या नहीं लगा वो मायने नहीं रखती बात। अगर आपने सॉकेट लगा दिया तो उसको कनेक्टर लोड के अंदर काउंट करेंगे, टोटल अपने जो लोड काउंट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो अपने पास एलिमेंट आपने लगा दिया सॉकेट वगैरह होल्डर लगा दिया तो उन सबको ऐड करेंगे चाहे लोड है या नहीं है, उन सबको कनेक्टर लोड में मानते हैं। लोड फैक्टर रहता है औसत मान अपॉन में अधिकतम मान और डाइवर्टिसिटी फैक्टर होता है व्यक्तिगत मानों का योग अपॉन में अधिकतम मान इंडिविजुअल सम ऑफ क्या करते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल सम टोटल सम हो गया और अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। तो अपने पास ऑप्शन रहेगा डिमांड फैक्टर रहता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टर लोड, लोड फैक्टर औसत अपॉन में अधिकतम मान, डाइवर्टिसिटी फैक्टर व्यक्तिगत मानों का योग अपॉन में अधिकतम मान। ए बी सी ऑप्शन नंबर रहेगा ए। एक कैसे रहेगा यार, एक दो तीन है, एक दो तीन ऑप्शन नंबर रहेगा डी। सीधे कनेक्टर है जी। क्वेश्चन नंबर 79 दिए गए स्टेटमेंट में नोट इनकरेक्ट का चयन करें। अवर हेड लाइन में वोल्टेज एन गुणा बढ़ाने पर चालक का आयतन बना एन स्क्वायर रह जाएगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपने चालक का आकार है 100 mm स्क्वायर मान लेते हैं, ओके वोल्टेज को एन स्क्वायर गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा अपने मतलब मान लिया कि 2 गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, तो 100 × 1/4 तो ये 25 mm की रिक्वायरमेंट रहेगी, 25 mm स्क्वायर के कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अवर हेड लाइन में वोल्टेज एम गुणा बढ़ाने पर धारा 1/m रह जाएगी, तो बिल्कुल सही है पावर है वोल्टेज गुणा धारा है, वोल्टेज एम गुणा बढ़ गई तो धारा एम गुणा कम हो जाएगी, तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। इसके कहने का मतलब क्या है, नोट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत, नोट गलत नहीं है तो गलत कौन सा नहीं है, नहीं फर्स्ट गलत है नहीं सेकंड गलत है, नोट इनकरेक्ट गलत नहीं है तो अपने पास बिल्कुल उलझन वाला क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नोट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत और नोट गलत नहीं है तो कौन सी गलत है, पहला तो दूसरा दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 ट्रांसमिशन लाइन लाइन नहीं लाइन है मैं बंडल कंडक्टर के बारे में नोट इन वैलिड स्टेटमेंट का चुनाव करें, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं बाद में देखेंगे नोट इन वैलिड क्या है। L इज इक्वल टू 2×10⁻¹⁷ इन जीएमडी अपॉन में जीएमआर, तो ये टोटल फॉर्मूला इसका फुल रहता है 4π×10⁻¹⁷ इन जीएमडी जीएमडी जियोमेट्रिक मेन डायमीटर और जियोमेट्रिक मेन रेडियस, ओके तो जिसे ही बंडल कंडक्टर अपने यूज करते हैं तो जियोमेट्रिक मेन रेडियस की का जो मान होता है वो बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला है इंडक्टेंस का, अपॉन में लगाते हैं 2π, तो 2π से ये कटेगा यहाँ पर बचा 2 और पाई से पाई कट गया, 2×10⁻¹ इन जीएमडी अपॉन में जीएमआर जियोमेट्रिक मीन रेडियस जियोमेट्रिक मीन डायमीटर, इनकी फुल फॉर्म है जीएमडी की जियो मेट्रिक मीन रेडियस जियोमेट्रिक मीन डायमीटर, ओके तो पहला अपने पास बिल्कुल सही है। सी इज इक्वल टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का सेकंड ऑप्शन को, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला रहता है 1/18 × gmd/gmr, तो आपको अभी बताया ये नीचे है जीएमडी थर्ड में तो जीएमडी ऊपर चला जाएगा, जीएमआर ऊपर गया और जीएमडी नीचे रह गया तो इसका फॉर्मूला हो गया अपने पास gmr/18 × gmd,
जियोमेट्रिक मेन डायमीटर, जियोमेट्रिक मेन रेडियस। रेडियस आपको अभी बताया कि बंडल कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ओके अभी इसके अंदर आगे चलते हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही है। अब जी एम आर बढ़ रहा है, जी एम डी अपॉन में जी एम आर, ये लिखा है यहां पर, जी एम आर बढ़ेगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। बिल्कुल सही, इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो एक्सएल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल, इंडक्टेंस की वैल्यू कम तो एक्सएल का मान कम। अब एक्सएल की वैल्यू कम होगी तो वी एल ड्रॉप जो रहेगा वो आई गुणा एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू तो वोल्टेज ड्रॉप के मान में कमी आएगी, वो भी इंडक्टर के ऊपर, इंडक्टेंस के ऊपर। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस के अंदर ये जी एम आर ऊपर लगे गए अपने, तो जियोमेट्रिक मीन रेडियस का मान बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन में टू पाई एफ सी, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो एक्स सी के मान में कमी आएगी। तो वी सी वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो आई गुणा एक्स सी, सी के मान में कमी आ रही है तो वोल्टेज ड्रॉप के मान में कमी आएगी, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बंडल कंडक्टर यूज करने से लाइन में इंडक्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और कैपेसिटेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप का मान कमी होती है। ट्रांसमिशन लाइन के लाइन में बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से वी एल वी सी ड्रॉप में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी भाई। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है इनवैलिड, मतलब इनवैलिड का मतलब है वैलिड नहीं है, वैलिड का मतलब है भी ये कथन सही है, इनवैलिड सही नहीं है, तो सही नहीं नहीं है, तो इसका मतलब नॉट इनवैलिड का मतलब है भी अपने पास वैलिड कौन सा है। तो वैलिड के बारे में देखते हैं, तो वैलिड अपने पास पहला और दूसरा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पूरी वैल्यू समझ आ गई होगी, एल इज इक्वल टू फोर पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 इन जी एम डी अपन जी एम आर, अब गुणा 2 पाई करेंगे 2 पाई से 4 पाई 2, 2 से 2 कट जाएगा और अपने पास बचेगा 4 से 2 कटेगा 2 बचेगा और पाई से पाई कट गया तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 इन जी एम डी अपन जी एम आर। जियोमेट्रिक मीन रेडियस जो रहता है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, जिसके कारण इंडक्टेंस के मान में कमी आती है, इंडक्टेंस के मान में कमी आती है तो एक्सएल के मान में कमी आएगी, एक्सएल के मान में कमी आने से इंडक्टर के ऊपर इंडक्टेंस के मान के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप के मान में कमी आएगी। अब यहाँ पर जी एम आर है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, तो ये जी एम आर जियोमेट्रिक मीन रेडियस को ऊपर लेके जाएंगे, इसका मान बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस के मान में वृद्धि होने से एक्स के मान में कमी आएगी, जिसके कारण कैपेसिटेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप के मान में कमी हो जाएगी। तो ये तीसरा ऑप्शन है कि बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से वीएल वीसी वोल्टेज ड्रॉप में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल गलत है भाई, तो अपने पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नोट इनवैलिड है अपने पास, वैलिड मतलब ये स्टेटमेंट्स लागू नहीं होता, मतलब गलत है, वैलिड का मतलब सही, इनवैलिड सही नहीं है, सही नहीं नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा भी अपने पास वैलिड स्टेटमेंट कौन सा है। आपको वैलिड इनवैलिड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल गहराई से बताएंगे आपको कि इसके ऊपर विचलन नहीं होना है, वैलिड का मतलब ये अप्लाई हो सकता है, इनवैलिड मतलब नहीं अप्लाई हो सकता, अप्लाई नहीं नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, तो ऑप्शन अपने पास वैलिड रहेगा ए एंड बी, पहला वो दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन अभी दोस्तों आज के दिन में 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 81 से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पूरी एनर्जी के साथ हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय। बढ़िया से करना, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको आंसर मिलेगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।